31661 का जियो जारी हुआ है, और इन्हीं कुछ घंटों में, कुछ घंटे पूर्व ही जीरो आपका जो गवर्नमेंट ऑर्डर है 31661 को लेकर अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार का जारी किया गया है। तब से उसको पढ़ने के बाद लगातार प्रश्न हैं, सब अपने हिसाब से इसको डील कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा परेशानी है लोगों के कमेंट सेक्शन से ही पता चल रहा है। जियो में कई ढेर सारे प्रश्न हैं, जैसे कुछ छोटे छोटे प्रश्न जो बड़ा मुद्दा बन रहे हैं। एक है समानुपातिक शब्द है उसमें, उसका अर्थ क्या है, क्या अर्थ लगाया जाए। कमेंट सेक्शन में दो तीन जगह मैंने कमेंट देखा, अब एक दो लोग को मैंने वहाँ पे जवाब भी दिया, लेकिन ये प्रश्न फिर मैंने देखा कमेंट सेक्शन में ज़्यादा मात्रा में है, तो इस पर वीडियो बनाना ही ज़्यादा उचित लगा। दूसरा प्रश्न कि 31661 लोगों को लिया कैसे जाएगा इन सीटों के सापेक्ष। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अधीन ये भर्ती रहेगी, और इसका नियुक्ति पत्र में भी इस पर मेंशन किया जाएगा। तो कैसे क्या होगा, डीडी तो पुनः बनवानी ही बनवानी है, इस बात को बहुत अच्छे समझ लीजिए। ऐसे भी प्रश्न आ रहे थे कि क्या डीडी पुनः बनवानी पड़ेगी, तो जो लोग अभी एकदम स्पष्ट रहिए, लिस्ट आने के बाद ही कोई कार्य हो सकता है, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो लिस्ट आ जाने दीजिए, उससे सारी चीज़ें सारे सॉल्यूशन का समाधान हो जाएगा। लेकिन फटाफट पहले चलते हैं आपके प्रश्न क्या है। पहला एक प्रश्न है कि 31661 प्रत्येक कैटेगरी वाइज आरक्षण का पूरा पालन करते हुए जिसकी मेरिट सबसे ऊपर होगी वो कैंडिडेट लिए जाएंगे। ये कुछ अपने हिसाब से लोग डील कर रहे हैं, कुछ लोग डील कर रहे हैं इसमें कि आपके जनपद में जितनी सीट है उसको 31661 / 69,000 से गुणा कर लीजिए, और उसके अंदर आपकी रैंक है तो आप सुरक्षित हैं, है ना। तमाम तरीके के लोग अपने अपने डील कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम लोगों के उत्तर सॉर्ट आउट हो सकें। लेकिन फिर भी मैं भी अपनी व्यक्तिगत सोच और इस पत्र को फिर से हम लोग देखते हैं, फिर आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले जियो देख लेते हैं। तो जियो का जो दूसरा पन्ना है, और इसको मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, आपको हाईलाइट किया ताकि आपको समझ में आए। इसमें लिखा हुआ है कि 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, तथा अभ्यर्थियों को जनपदों में उपलब्ध रिक्त पदों के अनुसार आरक्षण नियमों का पालन करते हुए जनपद आवंटित किए जा चुके हैं। यानी कि ये बात हो रही है 67 और 67 चयनित लिस्ट की। ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात बहुत अच्छे समझिएगा, अगर ना समझ में आए तो कमेंट करिएगा, कोशिश करिएगा कि ये बात समझिएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब इसमें आगे अब अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, अतः अभ्यर्थियों को पूर्व में आवंटित जनपद व आरक्षण को यथावत रखते हुए 31661 पदों में से समानुपातिक रूप से जनपदों को पद आवंटित करते हुए आवंटित पद के सापेक्ष मेरिट के ऊपर से उतने ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाए। अब यहाँ पर दो तीन प्रश्न इसी लाइन से बन जाते हैं। यहाँ तक आवंटित, देखिए इसमें क्या है कि इन सभी चीज़ों के बीच में आपका सबसे पहले मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ उससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर 50% क्लियर हो जाएंगे। इसमें मेंशन है कि आपका जो जिला है इस जियो के अंतर्गत वो जिला यथावत रहेगा। अभ्यर्थियों को पूर्व में आवंटित जनपद आरक्षण को यथावत रखते हुए, यानी कि अगर इन 31661, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 31661 में किसी प्रकार का भी बदलाव किया जाता है 67 और 67 लिस्ट के सापेक्ष, तो जाहिर सी बात है आपके जिले बदले जाएंगे। इस बात को समझ रहे हैं, जो रैंक 1 से लेकर 31661 रैंक तक होंगे अभ्यर्थी, अगर ध्यान सुनिएगा मैं मैक्सिमम क्वेश्चन के जवाब दूंगा, 31661 जिनको जिनको अपना जिला आवंटित है, और इसमें मेंशन है कि जिला नहीं बदलेगा, आरक्षण और जिलावार जो उनको जारी किया जा चुका है 67 और 67 लिस्ट के सापेक्ष यथावत रहेगा, इसमें लिखा हुआ ना यथावत रहेगा। अब इसमें लिखा हुआ है कि 31661 पदों में से समानुपातिक रूप से जनपदों को पद आवंटित करते हुए, अब समानुपातिक ये जो शब्द है इसका मुझे जो लगता है अर्थ है, मैं यहाँ पर व्यक्तिगत अपनी जिम्मेदारी ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर इसके नहीं बोल रहा हूँ, मुझे जो चीज़ें समझ में आ रही वो ये आ रही हैं कि 67 और 67 लिस्ट में जिस अनुपात में वर्गवार आरक्षण को लगाते हुए MRC प्रावधानों को
हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूप से लगाते हुए जो 67-68 की चयनित लिस्ट जारी हुई है उसी अनुपात में समानुपात वर्ड यूज़ किया है आपकी 31661 जारी किया जाएगा, ये मुझे लगता है, ठीक है ना। अब आप इस पे बताइएगा कि आपको क्या लगता है, बाकी उतने लोगों के निर्गत किया जाएगा टॉप मेरिट वाले। तो टॉप मेरिट कौन है, रैंक वन से लेके 31661 ये सभी तो टॉप मेरिट वाले ही हैं, 67-68 के सापेक्ष ही तो ये टॉप मेरिट वाले ही तो हैं अपने आप में। अब यहाँ पर कुछ मित्र हैं जिनके मैं अभी आपको कमेंट दिखाऊँ, यहाँ पर कमेंट है अभी मैंने यहाँ पर देखा है, ठीक है ना, डैशबोर्ड में जैसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर अमित सिंह गौतम जी का प्रश्न यहाँ पर है कि रैंक एक से 31661 तक शायद नहीं लिया जाएगा, हर कैटेगरी अनुपातिक लिया जाएगा, जैसे जनरल के लगभग 15,500 तक सीम रहेगा, उसके बाद ओबीसी की शीट और एससी की सभी की अनुपातिक ली जाएगी। नहीं तो अगर एक से 31661 तक लिया गया फिर तो केवल जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट और जो जनरल में सेलेक्टेड अदर कैंडिडेट होंगे उन्हीं का हो पाएगा, तो इनका तो ये सोचना है। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं तो समानुपातिक रूप से अगर 31661 को लिया जाएगा तो इसका बात को याद रखिएगा कि 67-68 चयनित लिस्ट में ही 37339 पदों को होल्ड किया गया है, इस बात को याद रखिएगा। तो 37339 पदों को होल्ड किया गया है तो रिमेनिंग जो 31661 पद हैं वो टॉप रैंक वाले हैं, उन्हीं को लिया जाएगा। ये मैं क्यों कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके दो आधार बोलने के हैं। पहला सबसे बड़ा आधार है कि आपका जिला नहीं बदलेगा, तो जिला किस केस में नहीं बदलेगा, उसी केस में कि आपकी 67-68 की जो लिस्ट है उसी में से आपको रैंक वन से 31661 रैंक वालों को उठा लिया जाए, उस केस में जिला परिवर्तित नहीं होगा। दूसरा आधार ये है कि आपका जो मेरिट है, बोला गया है कि ऊपर के क्रम से टॉप मेरिट वालों को उठाया जाएगा, तो इसका भी अर्थ यही है कि रैंक वन से लेकर रैंक 31661 वालों को उठाया जाएगा। अब यहाँ पर आपने बोला है, इन हम लोगों के उत्तर मिल जाएंगे आई होप, कि मैक्सिमम जनरल कैटेगरी कैंडिडेट का होगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने रैंक देखी होगी तो लगभग 52,000 तक आपको जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट देखने को मिले होंगे, है ना। तो ये कहना कि सभी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट का हो जाएगा बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि 34,500 जो सीटें हैं उसके सापेक्ष मैक्सिमम पहले शुरुआत में जनरल का ही होगा, नहीं होगा। मैक्सिमम जो ओवरलैप्ड कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, चाहे वो ओबीसी मित्र हों, चाहे एससी मित्र हों, चाहे एसटी मित्र हों, सबका इसमें चयन होगा और जो लिस्ट आएगी उसमें आपको सारी चीज़ें दिखेंगी, उम्मीद तो ये कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और इसमें देखिए एक और आपको प्लस पॉइंट दिखाऊँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आदेश उच्चतम न्यायालय का है 21 मई का और 9 जून का, उसी के अनुपालन में ये 37339 पद। अब यहाँ पर देखिए एक प्रश्न ये भी है, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि रिक्त पदों के सापेक्ष शिक्षा मित्रों के 37,000, तो इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि ये 37339 पद जो हैं वो शिक्षा मित्रों को ही अलॉट कर दिए जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। माननीय न्यायालय द्वारा जब होल्ड किया गया था इन पदों को तो बोला गया था कि जो असिस्टेंट टीचर के पद पर नियुक्त हैं शिक्षा मित्र जिनकी संख्या 37339 बताई जा रही है उनके सापेक्ष इन पदों को होल्ड किया जाए, तो इस वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका ये अर्थ मत निकाल लीजिएगा आप लोग कि इतने पद शिक्षा मित्रों को दे दिए जाएंगे, यानी कि बस 60 और 65 पर बस 31661 लोगों का चयन होगा, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट और बन जा रहा है कि 60-65 पर 31661 लोगों का चयन हो चुका है, अब आपका पक्ष और भी मजबूत होगा और अब आप जितने लोग हैं 37339 लोग 67-68 की लिस्ट वाले प्लस जो सेकंड काउंसलिंग का वेट कर रहे थे 67-68 लिस्ट के बाद वाले जो 146 में हैं वो अब मिलजुल कर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट अब एप्लीकेशन दायर कर सकती है ताकि माननीय न्यायालय ऑर्डर जल्द से जल्द सुना सके। अब यहाँ पर कुछ लोगों का ये सोचना होगा कि सर अब तो ये लोग हमसे सीनियर हो जाएंगे, सुपीरियर हो जाएंगे, तो आपको यही कहना चाहूँगा कि नियुक्ति पत्र में जानते हैं क्या लिखा हुआ है कि ये न्यायिक प्राधिकरण के अधीन रहेगी, उनके द्वारा जो ऑर्डर निकाला जाएगा उसके अधीन रहेगी। यानी कि ऑर्डर 60-65 पे आया तो जो बैचे 37339 लोग हैं वो भी साथ इन्हीं के होंगे, लेकिन ऑर्डर नहीं आया तो सब लोग जीरो हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो इस बात को समझिए, कोई सीनियर कोई जूनियर नहीं, फिलहाल के लिए सब इक्विवेलेंट हैं। लेकिन इसमें ये मेंशन किया गया है कि
पद खाली हैं और जल्द से जल्द प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे, तो शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए ये डिसीजन लिया जा रहा है, ऐसा कुछ इस जियो में मेंशन है। बाकी परेशान मत होइएगा, अब ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, आपके भी जो प्रश्न हैं आप जरूर कमेंट करिएगा। उम्मीद है आप सभी को समुचित उत्तर इसका मिल गया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, और शेयर कर दीजिएगा मैक्सिमम लोगों तक, ताकि जिनके जो जो प्रश्न है वो कमेंट कर। हाँ, एक बात याद रखिएगा, जितने लोग हैं टेंथ लिस्ट में और सेकंड काउंसलिंग के लिए, वो सभी अपनी एकजुटता बनाए रखिए, क्योंकि लिस्ट आने के बाद कई महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।